गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा। इट इज द सेकेंड पार्ट्स। तो मैंने आपको पहले बताया कि ऑल द चिल्ड्रंस गेदर्ड अराउंड द बेकर, मीन्स द बेकर वॉज कंप्लीटली सराउंडेड बाई द चिल्ड्रेन। वो पूरा घिर जाता था, जैसे ही बेकर आता था झंग झंग की आवाज करता था, सारे बच्चे घेर लेते थे, इकट्ठे हो जाते थे उसके चारों तरफ। और वो क्या करता था बेकर कि हमको डांट करके भगा देता था, पीछे कर देता था। और हम लोग भी ऐसे थे कि जिद छोड़ने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं कि वो भगा दिया और हम भाग जाए। हम लोग क्या करते थे, बेंच पर चढ़ जाते थे अथवा जो वहां पर रेलिंग होती थी रेलिंग में चढ़ करके झांकते थे, वो वाली मेरी अच्छी है, वो वाली मुझे ज्यादा पसंद है, वो मुझे चाहिए, ऐसा हम लोग करते थे। हमको तो यार वो वाली अच्छी है। और हम लोग ये भी नहीं देखते थे, अगर थोड़ा बहुत मिल जाता था ना तो हम लोग ये भी नहीं देखते थे कि हमने ब्रश किया है, मुंह धुला है कि नहीं धुला है। आइए आगे देखिए क्या होता है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। जो उस समय शादी विवाह होते थे उनमें अगर ये लोभ नहीं किए जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे शादी में कोई मजा ही नहीं है। माने लोग खाने में उसको जरूर देखना चाहते थे, तो इसीलिए बोला जा रहा है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। जो बैंगल्स टाइप था जिसको हम किसके रूप में जानते थे, बोल के नाम से जानते थे। जस्ट एज अ पार्टी आर अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। करे कोई भी ओकेजन हो, चाहे पार्टी हो, चाहे त्योहार हो या कुछ भी हो, अगर वहां पर ये जो है ब्रेड नहीं है तो समझ लो कि उसका कोई भी इंजॉयमेंट, कोई भी आनंद होने वाला वहां पर नहीं है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब इसके थ्रू तो आप समझ ही सकते हैं कि उन दिनों उस गांव में, गोवा के उस गांव में बेकर्स कितने इंपॉर्टेंट थे। उनकी डिमांड थी, उनका एक नाम चलता था, उनकी एक ब्रांड थी। द लेडी ऑफ द हाउसेज मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। ऐसा नहीं भाई, कोई भी चीजें होती थी तो घर में कुछ ना कुछ आइटम्स बनते थे, स्पेशल आइटम। चाहे करे उनकी बेटियों की सगाई ही हो, बेटी की सगाई हो, उस पर वो सैंडविच बनाए। केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स। जिस प्रकार और अन्य त्योहारों के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से उस गांव में क्या इंपॉर्टेंट था, वो ब्रेड थी, लोब्स थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स नेसेसरी। और यही दस माने इस प्रकार से, इसलिए जो वहां पर बताया कि जो पोर्टुगीज थे वो चले गए, लेकिन वहां पर जो बेकर्स थे उनकी जो फर्नेस थी, उनकी जो भट्टियां थी जहां पर वो बेकिंग करते थे, आज भी वो है। कारण क्या था कि वहां उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो कि कोई भी ओकेजन हो वहां पर इनकी रिक्वायरमेंट रहती थी, इसलिए दे आर वेरी इसेंशियल। द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड पिक्यूलियर ड्रेसेस नोन एज द खबाई। ये जो बेकर्स होते थे इनका एक स्पेशल ड्रेसेस होता था जिसको किसके रूप में जानते हैं, कबाई के रूप में। ठीक है, ये कैसे होते थे, इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। माने ऐसा नहीं कि फ्रॉक में आप देखते हो ना कि ज्वाइंट रहता है, ये ऐसा नहीं होता था, ये सिंगल पीस कपड़े का होता था और ये यहां नीज तक होता था, घुटनों तक, ये घुटनों तक रहता था। अब ये लोग क्या करते थे, जो बेकर्स होते थे यही पहनते थे, इनका ये स्पेशल ड्रेसेस था। इन आवर चाइल्डहुड
वी सा बेकर्स वीरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर। पहले की बात बता रहा है कि पहले उनका जो पिक्यूलियर ड्रेसेस होता था जिसको हम कबाई के रूप में जानते हैं, और यहां पर आथर कह रहा है लेकिन मेरे बचपन के समय में, अभी जैसे अभी हम लोग हैं, बराबर आने वाली अपनी पीढ़ियों की न्यू जनरेशन को बताएंगे बेटा पहले ऐसा होता था। जैसे आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है द फन दे हैड में कि जो मार्गी है और टॉमी है वो लोग क्या है, कंप्लीटली स्कूल के विषय में अनअवेयर है। वो लोग जानते ही नहीं ना, वो लोग सोचते हैं कि बाप रे बाप कैसा स्कूल रहा होगा। तो ऐसे ही हम लोग भी जब बताएंगे कि पहले ऐसा होता था, जैसे आज हम लोगों के दादा उदा बताते थे कि पहले पेड़ के नीचे बैठा ले करके पढ़ाया जाता था, जंगलों में बच्चे जाते थे और जब पढ़ाई के लिए जाते थे तो उनका घर से कोई रिलेशन नहीं होता था, तो हम लोग भी सोचते थे कि बाप रे बाप कैसे रहते होंगे वो लोग। जैसे अभी हम रामायण देखते हैं, श्री कृष्णा देखते हैं, तो इन सब चीजों में देखिए मेंशन किया गया है ना कि पहले जो गुरुकुल प्रथा थी कैसी थी। तो ये वहां पर उनके ड्रेसेस कहते थे, उस समय चप्पल कोई पहन करके नहीं जाता था, ठीक है, शिष्य लोग ऐसे ही रहते थे जो डिसिपल थे, पीपल थे, अपने गुरु की सेवा करते थे, सारा काम उन्हीं को करना रहता था। तो सुनकर के एक मतलब मन में ऐसी गर्नेस होती है और भी जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यहां पर देखिए अब वो बोल रहा है कि जो आथर बोल रहा है कि मेरे समय में जो बेकर्स होते थे वो ट्राउजर पहनते थे और शर्ट पहनते थे, और ये जो ट्राउजर होता था विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ, मतलब जो पूरा नहीं होता था पैर तक एकदम यहां तक जो है नहीं होता था, वो क्या होता थोड़ा छोटा होता था, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। आप ये बोल लो जैसे हम कैप्री बोलते हैं, ये हाफ पैंट से बड़ा होता है और फुल पैंट से छोटा होता है, उस तरीके के समय ऐसा पैंट पहनते थे ये लोग बेकर्स लोग और शर्ट पहनते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट्स दैट इट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। और आज भी बोल रहे हैं गोवा में कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा और फुल से छोटा पहनता है उसको किसके लुक में लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं, अरे भाई ये पेडर है क्या। द बेकर्स यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, करें उन इन दोज डेज, उन दिनों जो था, उन दिनों जो बेकर्स होते थे वो क्या करते थे, महीने में बिल कलेक्ट करते थे, लिखा है ना, द बेकर्स यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर्स थे वो मंथली बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और ये लोग इतना बिजी होते थे ना, इनके पास कॉपी पेन नहीं होता था लिखने के लिए, जैसे आज रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, आप देखते हो किसी शॉप पे जाते हो तो उनके पास एक रिकॉर्ड बुक होता है जिसमें आपका अकाउंट्स होता है, भाई ये जो जो उधार ले जाने वाले होते हैं उनका एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में जो है वो क्या करते हैं उनका नाम मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। तो उनके पास ऐसा नहीं होता था, पहले के लोग इतने फैमिलियर थे जान जाते थे कि भाई उनका घर वहाँ है, ये नाम है, वो तुरंत क्या करते थे दीवार पे जहां रहते थे वही दीवार पे लिख देते थे, बराबर है। तो वही बोल रहे हैं कि दीवार पर लिख दिया जाता था पेंसिल से, बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और उन दिनों जो बेकिंग था ये क्या था, बहुत ही प्रॉफिट, बहुत ही लाभकारी प्रोफेशन था, बहुत ही अच्छा व्यवसाय था, बहुत ही लाभदायक व्यवसाय था, बिजनेस था। His family and his servant always looked happy. जो बेकर्स थे उनका परिवार और उनके जो नौकर थे हमेशा खुश रहते थे और हमेशा प्रॉस्परस रहते थे, माने उनको किसी चीज की कमी नहीं होती थी। Their plumpy physique was an open testimony to this. वो क्या होते थे, ऐसे गोलमटोल होते थे, पेट निकल आता था ना, गोलमटोल होते थे एकदम। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिक
अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी कोई ऐसा व्यक्ति गोवा में जो दिखता हो जिसके पेट वोट निकले हुए हो ना, गोवा में ऐसा व्यक्ति जो दिखता हो जिसके पेट वोट निकले हो, हट्टा कट्टा हो ना, तो ये समझा जाता है ये कौन है, बेकर्स लोग हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड इट इज आल्सो अ ग्लिम्स ऑफ गोवा इन द एंशिएंट टाइम्स व्हेन पोर्टुगीज लिव्ड। तो सो इट इज फिनिश्ड द होल चैप्टर्स। आपने यहाँ इस लेसन के थ्रू जो आपको बताया गया कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपने एक झलक देखी जो गोवा में किस तरीके के लोग थे, कैसा वहाँ का प्रोफेशन था, कैसे लोग लाइक किया जाता था, वहाँ की जो है डिजर्सेस क्या थी। तो वी विल कैरी द नेक्स्ट पार्ट, द सेकंड पार्ट मीन्स कुर्ग, इन नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, दैट्स ऑल।